हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नॉलेज जोन 24/7 के इस चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए लाया गया है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पर हम फिजिकल ज्योग्राफी को पूरी तरीके कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हर एक छोटी बारीक चीज़ों को, ज्योग्राफी के हर एक डाउट को क्लियर करेंगे आपके। तो इस कोर्स को चालू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, मेरा नाम अंकित राज है और मैं पिछले 1.5 साल से ऑफलाइन बैचेस में, ऑफलाइन कोचिंग्स में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स को जीएस पढ़ा रहा हूँ। तो इस कोर्स में आपके लिए आखिर लाया क्या गया है, पहले वो जान लेते हैं हम लोग, और क्या क्या आपके लिए इसमें बेहतरी की है कि आप अगर इस कोर्स को करें तो आपको ये किस तरीके से फ़ायदा दे, कि आपके जो भी डाउट्स हैं और वो सब यहाँ क्लियर हो, और आपके जो 2 घंटे हैं जो मेरे साथ बिताए आपने यहाँ, वो फालतू के बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले आपको इस कोर्स में से जो सबसे पहली चीज़ है वो फ्री है। पूरा कोर्स यूट्यूब पे हो रहा है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना है और ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में है। तो जाहिर सी बात है आपके हर एक जो भी डाउट होंगे वो क्लियर ही हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पूछने भी नहीं पड़ेंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। और इसमें MCQ प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, आपको डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे, और हर 4 से 5 क्लासेस बाद मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखूँगा। अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो आप डाउट कैसे पूछेंगे, आपके मन में ये प्रश्न आएगा ही। तो आपको मैं बता दूँ कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल। तो आपको जो बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है इस कोर्स को लेने से पहले, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको MCQ प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस कोर्स को लेते समय सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप जब बैठें तो कहीं लेट कर या दीवार में टिक कर इस तरीके के कोर्स को ना लें। थोड़ा सीरियस, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और एक अच्छे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और स्टेट को अपनी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एकदम डिसिप्लिन से ये क्लास लें। और आपको अपने साथ एक नोटबुक या A4 साइज पेपर रखना होगा, साथ ही साथ एक पेन लेके बैठें। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, एक मैप खरीद लेना है जो, और ये कोर्स किस लैंग्वेज में चलेगा, तो कोर्स ये हमारा जो है वो बायलिंगुअल है। तो आप अगर हिंदी माध्यम से भी हैं या अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आप दोनों ही इस कोर्स को ले सकते हैं। और लास्ट बात जो है वो आपको जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने एजुकेटर पर। जी हाँ, आपको पूरी तरीके ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप 1 से 2 घंटे यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हाँ मैं आपके अगर 1 से 2 घंटे जो भी ले रहा हूँ वो आपको आगे जाके फिजिकल ज्योग्राफी के हर एक डाउट को क्लियर कर देगा और आपको दोबारा फिर कभी फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स लेना ना पड़े, आपको टीचर के ऊपर इतना ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो थोड़ा लंबा कोर्स होगा, 20 से 25 दिन के आसपास शायद लग जाए इस कोर्स को। उसके बाद फिर 20 से 25 दिन बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी के बाद फिर हम एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे। इसी बीच हमारे अक्टूबर के एंड तक हम इस पर काम कर रहे हैं कि आपके लिए हिस्ट्री का भी कोर्स लेके आए, तो वो जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज का अपना सेशन फिजिकल ज्योमेट्री का। तो फिजिकल आखिर होता क्या है? फिजिकल, अब मान लीजिए जैसे कि हमने घर से निकले, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखे पहाड़, फिर थोड़ी दूर गए, फिर हमने क्या देखे, हमने देखी नदियाँ,
वहीं जा रहे थे, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई है ना पहाड़ों के पास। लैंडस्लाइड हुई, थोड़ी देर आगे बढ़े तो हमने देखा कि अचानक से धरती हिलने लगी है, भूकंप आ गया। आगे ही थोड़ा बढ़े थे कि समंदर था, वहाँ पर तूफान उठने लगा, इस तरीके से साइक्लोन आइक्लोन आने लगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं इस दुनिया में, जो भी घटित हो रही हैं, वो फिजिकल का पार्ट है ना। तो इसी की स्टडी हम लोग क्या करने जा रहे हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी के इस कोर्स में। समझ में आया सबको? तो हम इस कोर्स में, फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स में, इन्हीं सब की स्टडी करेंगे। अच्छा, करेंगे कैसे ये भी बात है, इन्हें पढ़ेंगे कैसे एक सीक्वेंस में, किस तरीके? देखिए कि जब हमें अपनी धरती को पढ़ना हुआ तो धरती को पढ़ना हुआ तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? लैंड, एयर और लास्ट वाटर, यही तीन चीज, ठीक है। अब एक बात ये सोचिए कि इन तीनों में से, इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज खत्म हो जाए इस दुनिया से, क्या जीवन रहेगा? आंसर इज नो, नहीं रहेगा ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कि अगर मैं एक सर्कल ये बनाऊं, एक सर्कल ये बनाऊं और एक सर्कल ये बनाऊं, ये हमारा हो गया लैंड, ये हो गया हमारा एयर और ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है। अब ये जो चीज है ये क्या है? इन तीनों के मिलने से क्या बन रहा है? इन तीनों के मिलने से बनता है लाइफ, ठीक है। और लाइफ क्या है हमारी? बायोस्फीयर, ठीक है। यानी कि हमारी जो लैंड है, यानी कि लिथोस्फीयर, जो हमारी हवा है, एटमॉस्फेयर, जो हमारा पानी है यानी वाटर है, वो हाइड्रोस्फीयर। यानी कि जब हम तीनों को मिलाते हैं तब बनता है बायोस्फीयर। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? अब ये देखो, अब तीनों को मिलाने, अब ये सोचो अगर हम इस दुनिया से लैंड को हटा दें तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं। हवा को हटा दें, क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं। और या पानी को हटा दें तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ ना कि इन तीनों की वजह से, जो मेन है, इन तीनों की ही वजह से लाइफ इस दुनिया में है, है ना, है कि नहीं? अब लैंड को हमने क्या पढ़ना है? लैंड को लिथोस्फेयर, ठीक है, हिंदी माध्यम, स्थलमंडल, एयर हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, और वाटर हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, यानी कि जलमंडल, यानी कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल हम इन्हें तीन हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा बायोस्फीयर का जो पार्ट है वो हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आई थिंक आप सबको बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हमें क्या समझना है? इसके बाद हमें समझना होगा जो छोटे छोटे लिथोस्फीयर को अभी चालू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अब क्लास लगेगी, अभी जो की पॉइंट्स हैं, जो अभी मतलब जो भी इसमें कह सकते हैं ज्योग्राफी में जो भी की पॉइंट्स होते हैं जो आगे जाके हमें दिक्कत ना दें समझने में, तो हम आज उन्हीं बातों को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हो सका, अगर टाइम रहा, तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चालू कर देंगे। और अभी समझते हैं कि ये, अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हम ये समझते हैं कि किन बातों को क्या कहा जाता है, जो हमने पढ़ी तो हैं बचपन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी तक आते आते वो हमारे दिमाग से हट गई, या किसी वजह, मतलब कश्मकश में या पढ़ा नहीं ढंग से, उन वजहों से हमने उन बातों को ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले हमने जो बात कही है
वो है अर्थ का शेप। अब ये कितने मीटर होता है, क्या होता है, अगर आप बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने पेपर देखे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं हैं। बट जो एक इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है अर्थ का शेप। इस पर काफ़ी चर्चा होती है, तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि अर्थ का शेप क्या होता है ना? अब आप जानते हैं कि अर्थ हमारी कुछ इस तरीके की है, जहाँ तक बताई जाती है, यानी कि थोड़ी सी ओवल शेप में बोलते हैं ना सब। अब यानी कि जो अर्थ का ये हिस्सा है, अर्थ का जो ये हिस्सा है और अर्थ का जो ये हिस्सा है, दोनों में अंतर है, ठीक है? तो इस हिस्से की जो हमारी डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके है, और जो इसकी डिस्टेंस है वो ठीक है। अब देखो इसको क्या तुम एक सर्कल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ में अंतर है ना, दोनों के डायामीटर में अंतर है कि नहीं? अब जो इसे हम बोलते हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, ठीक है? यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम अर्थ को नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो उसके डायमीटर की जो लेंथ है वो 12,714 किलोमीटर है, और वही अगर हम अर्थ को वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें, तो हमारी अर्थ की जो लेंथ है यानी डायमीटर है उसका, वो 12,756 किलोमीटर है, ठीक है? तो क्या हमारी अर्थ ओवल है? क्वेश्चन हमें ये आएगा, मतलब क्वेश्चन हमें ये मन में उठेगा, क्या अर्थ हमारी ओवल है? चलिए देखते हैं। अब हर एक चीज़ को नापने के लिए, जैसे कि एक ये रेक्टेंगल है, इसको हमने कह दिया स्क्वायर, इसको हमने कह दिया सर्कल, और ये हमारा ट्रायंगल, मतलब हमने हर एक चीज़ को शेप दिया हुआ है ना, शेप को हर एक शेप को नाम दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अर्थ जिसका जिसको हम नाम देने की कोशिश कर रहे हैं अपने शेप्स में, उसका कुछ अलग ही नाम हो सकता है, मतलब वो भी एक शेप हो सकता है ना, है कि नहीं? तो जियोडेसी, ये शब्द याद रखेंगे कि जियोडेसी, ये शब्द को याद रखेंगे। जियोडेसी क्या है? जियोडेसी एक तरीका है मापन का, ये समझ लीजिए कि मेजरमेंट का तरीका है, जिससे हमने क्या करा है, अर्थ को नापा है और अर्थ के शेप को हमने नाम दिया है क्या, इसके अर्थ को हमने क्या नाम दिया है, ठीक है? जियोडेसी से हमने अर्थ को नाम क्या दिया, जियोइड। बट ये याद रखेंगे कि ये किसने दिया है, ये मॉडर्न साइंटिस्ट ने दिया है। किसने दिया है? मॉडर्न साइंटिस्ट ने। जो जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने अर्थ को एक शेप दिया, उसका नाम उन्होंने उन्होंने जियोडेसी की की मेजरमेंट से एक अर्थ एक को अर्थ को शेप का शेप का नाम नाम दिया, दिया अर्थ अर्थ के के शेप शेप को, को, और उसे उसे हम हम लोग लोग जियोइड जियोइड कहते कहते हैं। हैं। क्यों क्यों कहते कहते हैं हैं इससे इससे पहले पहले क्या क्या बोलते बोलते थे थे हम हम लोग, लोग, जो जो पुराने पुराने हमारे हमारे साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे थे वो वो भी भी तो तो कुछ कुछ नाम नाम देते देते होंगे होंगे ना ना इसे। इसे तो ये देखो अर्थ अर्थ थोड़ी थोड़ी सी सी ओवल ओवल लगती लगती है है ना। ना। हाँ, क्यों? अर्थ अर्थ जो जो है है हमारी हमारी ओवल ओवल दिखती दिखती है। है। अब अब अगर अगर अर्थ अर्थ हमारी हमारी ओवल ओवल दिखती दिखती है है तो तो जो जो हमारे हमारे पुराने पुराने साइंटिस्ट साइंटिस्ट हैं हैं उन्होंने उन्होंने भी भी कुछ कुछ नाम नाम दिया दिया होगा, होगा, तो तो उन्होंने उन्होंने इसे इसे कहा कहा कि कि ये ये ऊपर ऊपर का का जो जो हिस्सा हिस्सा है है इसका, इसका, ये ये देखिए देखिए वो वो थोड़ा थोड़ा चपटा चपटा है ना, है ये ये हिस्सा हिस्सा चपटा चपटा है। है। बट बट ये ये है है क्यों क्यों चपटा? चपटा? क्योंकि क्योंकि अर्थ अर्थ हमारी हमारी वेस्ट वेस्ट से से ईस्ट ईस्ट की की तरफ तरफ घूम घूम रही रही है है ना, ना, वेस्ट की तरफ, वेस्ट वेस्ट से से ईस्ट ईस्ट की की तरफ तरफ रोटेशन रोटेशन कर कर रही रही है। है। तो तो आपने आपने क्लास क्लास 6 7 6 7 में में एक एक चीज चीज पढ़ी पढ़ी होगी होगी कि कि सेंट्रीपेटल सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स, यानी यानी कि कि केंद्रीय केंद्रीय बल बल लगता लगता है है ना। ना। जब जब केंद्रीय केंद्रीय बल बल लगता लगता है है यहाँ यहाँ से से तो तो ये ये हिस्सा हिस्सा
आपको नहीं लगता कि हिस्सा चौड़ा हो जाएगा, किनारे का जो हिस्सा है हमारा वो किनारे चौड़ा हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा जो है वो चपटा हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अर्थ को नाम दिया ओब्लेट स्फीयर। क्या दिया? ओब्लेट, ये है स्फीयर। क्या दिया? ओब्लेट स्फीयर। तो अब ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि ये जो ग्याला नाम है ये नाम किसने दिया है, जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे। बाद में हमने अर्थ को जियोडेसी की मदद से नापा, जो ये मेजर जो हमने इसकी लेंथ निकाली है ये जियोडेसी की मदद से निकाली है। उसके बाद हमने इसी को नाम दे दिया जियोइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में अंतर कितना है, यानी कि अर्थ जो है हमारी, अर्थ के जो दोनों डायमीटर हैं उन दोनों डायमीटर का अंतर कितना है। तो ये बात को याद रखिएगा कि दोनों डायमीटर का जो अंतर है वो 0.3 है। क्या है? 0.3% है, मतलब दोनों का जो परसेंटेज निकलता है वो 0.3 समथिंग निकलता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हमें अब जानना है कि जो हमारा ये मैप है, एक मिनट में मैप आपके सामने लाता हूँ। ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये है ना। तो अब ये मैप देखिए आप, ये मैप जो है हमारा हिस्सों में बटा हुआ है ना। ये अब इसमें कहीं हमको कुछ दिख चलेगा। ये देखिए, ये और ये आखिर है क्या? उसके बाद हम इसे ओशन क्यों बोल रहे हैं? कहीं पर हम इसको सी बोल दे रहे हैं, है ना, और कहीं पर इसको बे बोल दे रहे हैं, कहीं पर इसको हम गल्फ बोल दे रहे हैं। ये देखिए, कहीं पर हम इसे गल्फ बोल दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ये द्वीप क्या होते हैं हमारे, है ना, आइलैंड्स क्या होते हैं। तो हम अब जो है इसमें ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। ठीक है, चलिए। अब ये क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, तो हमें ये देखना होगा ना कि इसको जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, यानी कि द्वीप, यानी कि आइसलैंड। ठीक है, तो एक ऐसी लैंड बॉडी, एक ऐसी जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। क्या बोला हमने? एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है वो क्या है? वो हमारा द्वीप है। समझ में आया? जैसे लक्षद्वीप हो गया, इंडोनेशिया में जावा सुमित्रा आइलैंड्स हो गए, इस तरीके। ठीक है, अब द्वीप में अगर तुम यही द्वीप में महा लगा दो, क्या लगा दो? महा लगा दो। ठीक है, तो महाद्वीप यानी कि एक वही लैंड बॉडी अगर वो बड़ी हो जाए, द्वीप की बात करी, अगर वही लैंड बॉडी अगर बड़ी हो जाए तो क्या हो गया? वो हो गया महाद्वीप। समझ में आया? उसी को कॉन्टिनेंट है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है? एक छोटी बॉडी अगर वो चारों तरफ पानी से घिरी है तो उसको हम बोल रहे हैं द्वीप, और वही उसकी जगह अगर हम उसमें महा लगा दें, महा मीन्स बड़ा, है ना, कॉन्टिनेंट हो जाएगा वो पूरा का पूरा। ठीक है,
उसमें डिफरेंशिएट वो इंसानों ने अपने हिसाब से डिफरेंशिएट करा, अपने हिसाब से उन्हें एक वैल्यू दी है कि हाँ इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है। तो कॉन्टिनेंट और आइसलैंड में आपने आइलैंड में दोनों में अंतर समझ लिया। उसके बाद सवाल उठता है ये पेनिनसुला क्या है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन सुना होगा कि इंडिया जो है वो पेनिनसुला है ना, तो क्या होता है एक ऐसी लैंड बॉडी, अब ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी लैंड बॉडी जो कि तीन तरफ पानी से घिरी हुई हो। क्या बोला हमने, ऐसी लैंड बॉडी जो तीन तरफ से पानी में घिरी हुई हो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पेनिनसुला। क्या बोल रहे हैं, पेनिनसुला। भारत का जो मैप है आपने देखा होगा, थोड़ा सा अब इन चारों तरफ तीन तरफ से ये हमारा जो है इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है, ये तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है ना, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं पेनिनसुला। समझ में आया, इसे हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रायद्वीप। समझ में आया होगा आपका, ठीक है। अब एक चीज समझ लेते हैं और अब ये देखिए, अब सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत तो यही नहीं समझ में आता कि कॉन्टिनेंट आखिर, अगर हम कॉन्टिनेंट में बोलते हैं उनसे, खैर हालांकि ये पार्ट है मैपिंग का, लेकिन अगर हम किसी से कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, तो कई बार तो साउथ अमेरिका समझ लेता है कि अच्छा अमेरिका बस अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कई बच्चे, कई लोग मतलब कॉन्टिनेंट ही नहीं आ सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं हम, एशिया। ये क्या है हमारा, एशिया। उसके बाद फिर ये हिस्सा हमारा, ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अफ्रीका, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये हिस्सा जो है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये है हमारा, ये है हमारा यूरोप, ठीक है। अब ये हिस्सा जो है हमारा, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो नीचे का हिस्सा है, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हो गया हमारा अंटार्कटिका 7। तो हमारे सात जो कॉन्टिनेंट है वो आपने देख लिए। ये आपको इस तरीके याद होने चाहिए कि अगर आप आंखें बंद करें और ये आपके सामने एक ब्लैंक शीट हो जाए, तो अगर हम कहें एशिया कहाँ है, तो आपको एशिया सीधे समझ में आना चाहिए कि ये अगर हम नॉर्थ की तरफ ऊपर चलें और उसकी जगह फिर नॉर्थ में ऊपर जाने के बाद ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो हमारा एशिया आ जाएगा। और वही अगर आपसे कहें नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, तो ये बस इतना याद होना चाहिए कि नॉर्थ की तरफ हम चलें और मैप में हम वेस्ट की तरफ अगर चले गए तो हमारा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। उसी तरीके अगर हम मिडिल में रहें, तो मिडिल में साउथ की तरफ अगर बढ़ने लगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। और थोड़ा साउथ मिडिल से ऊपर बढ़ने लगे तो यूरोप होगा। और उसी एकदम साउथ में चले जाए, एकदम साउथ में चले जाए तो अंटार्कटिका। तो इस तरीके से हमें साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका की पोजीशंस याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको लॉन्गिट्यूड निकालने में और लैटिट्यूड निकालने में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ब्लैंक शीट दे दी जाए इस तरीके से, इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपको ब्लैंक शीट दे दी जाए, तो अगर मैं कहूँ ए बी सी, ये हो गया टी ई एफ और जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पर है। अगर मैंने कहा है कि
नॉर्थ अमेरिका कहाँ है तो आपको तुरंत आना चाहिए कि वो नॉर्थ अमेरिका एफ है। अगर मैं बोल दूँ कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए बी है। अंटार्कटिका कहाँ है सी है ना, अफ्रीका कहाँ है टी, और यूरोप कहाँ है ई, एशिया कहाँ है ए, साउथ साउथ अमेरिका हमारा जी। तो समझ में आया क्या क्या? इस तरीके से आपको हर चीज़ की पोजीशन याद रहेगी तो क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड लैटिट्यूड वाले क्वेश्चंस। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इन जगहों पर जो हमारे हैं, ये चाहे तो आप नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाते हैं कि पॉपुलेशन के बेस पर, कि पॉपुलेशन के बेस पर और एरिया के बेस पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है। इस तरीके का कभी अगर प्रश्न आ जाए तो आपको कभी दिक्कत ना हो। तो इसलिए सबसे बड़ा एरिया किसका आपको दिख रहा है इस मैप में, देखिए आप ही देखिए इस मैप में सबसे बड़ा एरिया किसका दिख रहा है, एशिया का। कहाँ है एशिया, ठीक है? तो यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो लैंड मास है वो कौन सा एरिया है, वो हमारा एशिया है, ठीक है? क्या बोले हम कि लैंड मास के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया हमारा एशिया का है, ठीक है? उसके बाद उससे बड़ा क्या दिख रहा है, उससे बड़ा लैंड का एरिया जो है वो है हमारा अफ्रीका, ठीक है? दूसरे नंबर पर क्या है, अफ्रीका। दीवार समझ में आ गई। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे कौन है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक? तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद फिर क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक? साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, काफी बड़ा लैंड फॉर्म है। तो कितने हो गए, एक एक मिनट, एक दो तीन चार और ये हमारा पांच। अब कौन आएगा, अब आपको कौन लगता है अब आएगा, देखिए अब आएगा यूरोप हमारा, जो कि यहाँ पर है यूरोप, यूरोप हमारा है छठा नंबर, ठीक है? और लास्ट बचता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक? तो ये हमारा साथ। तो हमने क्या बोला कि लैंड के एरिया के हिसाब से, लैंड के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा हमारा एशिया है, एशिया के बाद आता है हमारा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद फिर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद जो है वो हमारा साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? अब जरा जान लेते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है कि नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा आपको कौन सा लगता था, ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी हमारा एशिया ही सबसे बड़ा है। दो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली थी, मतलब हैं, वो भी एशिया ही में है, हमारी भारत सबको पीछे करते हुए पॉपुलेशन में। तो एशिया नंबर एक पर है पॉपुलेशन में, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ भी कौन है, अफ्रीका, ठीक है? और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जगह है वो है यूरोप, ठीक है? उसके बाद फिर चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, समझ में आएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद
छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट सातवें नंबर पे कौन है? अंटार्कटिका। क्यों? वहां तो कोई रहते नहीं है कि नहीं? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप, मुझे लगता है। ठीक है, अब हमने कॉन्टिनेंट समझ लिया। ठीक है, हमने समझा कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट के बाद समझे कि प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला के बाद फिर हमने देखा कि क्या कहते हैं, द्वीप यानी कि आइलैंड्स देख लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो अब क्या बचा? हमारा सी वाला हिस्सा ना। अब हमें जानना होगा कि ओशियन सी बे, उसके बाद गल्फ, क्या है डिफरेंस इन चारों में, है ना? अब हम जरा जान लेते हैं क्या है भाई इसमें डिफरेंस। तो ओशन ओशन ये बड़ा लैंड मास, बड़ा ये जो वाटर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा ये देखिए, ये हिस्सा काय का है? ये हमारा ओशन है। बट उसी की जगह हमें कई जगह पर सी दिख जाती है, जैसे कि अरब सागर हो गया हमारा, है ना? अरब सागर हो गया ये बे, और बंगाल के पास ये बे क्यों आ गई? यहाँ पर गल्फ क्यों आ गया? है मेडिटेरेनियन सी क्या है, रेड सी क्या है, ब्लैक सी क्या है ना? इस तरीके के आ जाते हैं ना, कि इसमें अगर बोलने ही था तो इसको बोल सकते थे कि अरे पैसिफिक ओशन। लेकिन एक बात ये बताइए आप कि अगर आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय किसी को कोई खाना डिलीवर करना है या पार्सल डिलीवर करना है, तो क्या आप उसको ये बता दें केवल कि इस जगह पर जैसे कि कांच की गुमटी आ जाओ, मतलब एक कानपुर आ जाना। ठीक है, अब वो कानपुर में आपके घर को ढूंढने के लिए उसे आपके मोहल्ले का, बिल्डिंग का, आपके पिन का जरूरत पड़ेगा ना? या आप केवल उसको खानपुर लिख दोगे और वो आपका घर ढूंढ लेगा? नहीं। तो उसी तरीके हमने उस रास्ते को छोटा करने के लिए हमने सी सी बना दिए कि मतलब हाँ, अगर कोई लोकेशन बोल रहा है कि इंडियन ओशन में कहाँ जाना है उसे, तो किस जगह पर है और कितना वो तूफान कितने करीब हो सकता है, तो कह तूफान कहाँ से उठा है, कह रहे बे ऑफ बंगाल से उठा है, या बोल दिया कि अरेबियन सी से उठा है। तो इस तरीके उस चीज़ को छोटा करने के लिए हम इस सी वर्ड का यूज़ करते हैं। है वो उसी का हिस्सा, मतलब एक शहर है कानपुर, और कानपुर ही का हिस्सा क्या है, छोटे छोटे उसके मोहल्ले, है ना? तो उसी तरीके ओशन का हिस्सा ही हमारा सी है। तो इस बात को समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल बेसिक है और ये सब आपको आता होगा, बट जिनको नहीं आता तो शुरुआत की 2 से 3 क्लासेस उनके लिए ही ये बनाया है मैंने। उसके बाद फिर बड़ी क्लासेस जब आगे बढ़ेंगे तो हम बड़े बड़े टॉपिक्स करना चालू करेंगे। ठीक है, अब ये बे क्या होती है ना? तो अब ये देखिए, आते हैं मैप को खोल लेते हैं। अब मैप में हमने ये हिस्सा देखा, ये देखिए, ये हिस्सा देखा आपने, ठीक है? एक ऐसी बॉडी जो तीन तरफ से वो क्या है, वो लैंड से जुड़ी हुई है। तीन तरफ से एक ऐसा रास्ता पानी का जो तीन तरफ से, एक दो और तीन तरफ से वो लैंड से जुड़ा हुआ है, केवल उसकी निकासी एक जगह से, यहाँ से, तो वो हमारी बे है। ठीक है, और उसी तरीके बे और दूसरी होती गल्फ। गल्फ क्या है? गल्फ थोड़ा उसका गल्फ में बस इतना डिफरेंस रखना है कि जो बे का मुंह होता है, बे का मुंह चौड़ा होता है ना? बे का मुंह चौड़ा दिख रहा है,
और गल्फ का अंदर का एरिया बड़ा होता है, गल्फ का अंदर का एरिया बड़ा होता है और निकलने का रास्ता जो है उसका पानी का वो छोटा होता है। ठीक है, ये देखो, ये देखा, अंदर का एरिया चौड़ा है इसका और पानी के निकलने का रास्ता छोटा हो गया। उसी तरीके यहाँ पर देख लो, ये बे है हमारी, बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, अंदर का हिस्सा थोड़ा संकरा है और बाहर जब पानी जहाँ से निकल रहा है वो चौड़ा हो गया। तो बे और गल्फ में अंतर समझ में आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ओशन से भी देख लेते हैं अपने कहाँ कहाँ पर हमारे ओशन से। ठीक है, तो ये देखिए, ये हिस्सा दिखा आपको, ये हिस्सा जो है हमारा ये, और यहाँ का ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये क्या है हमारा, ये हमारा है पैसिफिक ओशन। क्या है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, समझ आएगा। उसके बाद ये ओ की तरीके नहीं बन जाएगा, जब दोनों मिल जाएंगे तो ये कहीं पर जाकर ओ बनेगा ना दोनों मिलके, क्योंकि ये यहाँ का जो हिस्सा है, याला हिस्सा आपस में जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि मैप या दुनिया चौकोर तो है, रेक्टेंगुलर तो है नहीं, यहाँ की केवल इसे इधर कटी उधर कटी, दोनों आपस जाकर मिल जाती है ना। तो ये समझ में आया, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों जब मिलते हैं तो ओ का शेप बना देते हैं। उसके बाद ये देखो, ये एस बन रहा है यहाँ पर, ये एस बन रहा है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, अंटार्कटिक। ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ होगा, नीचे का हिस्सा साउथ होगा। सॉरी, उसके बाद ये ऊपर देख लो, आर्कटिक, देखा आर्कटिक, और ये हमारा इंडियन ओशन और ये हमारा सदर्न ओशन। समझ में आ गई बात सबको। तो ओशन कौन कौन से हैं, पैसिफिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, इंडियन और सदर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें थी। अब इसमें हमें जो जानना है वो ये है कि स्ट्रीट क्या होती है, क्या चीज, स्ट्रीट, हिंदी माध्यम जल संधि। ठीक है, अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है ना कि मतलब दो लैंड बॉडी के बीच में, ये जो दो लैंड बॉडी हैं, ये और ये, देखिए दो लैंड बॉडी, इन दोनों के बीच से जो सकरा सा रास्ता जा रहा है, इन दोनों के बीच से जो सकरा सा रास्ता जा रहा है उसी को हम स्ट्रीट बोलते हैं। ठीक है, अगर सकरा सा रास्ता जा रहा है तो हम उसे स्ट्रीट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, जल संधि। ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा। अगर दो लैंड बॉडी के बीच से पतला सा रास्ता जो निकल रहा है उसे हम जल संधि बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टोमस। अब ये क्या होता है, अब देखो, दो ओशन मतलब दो सी के बीच में से एक पतला सा रास्ता, एक पतला सा रास्ता अगर निकल रहा है, ये देखो ये रास्ता जा रहा है इस तरीके से, है ना, ये पतला सा रास्ता, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमस। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अब ये देखो, एक ये हिस्सा देख लो, ये हिस्सा देख लो, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ इस तरीके का डब्रू टाइप का दिख रहा है ना, डब्रू टाइप का दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं जल डब्रू। क्या बोलते हैं, जल डब्रू, जल डमरू। ठीक है, हिंदी में जल डमरू और इंग्लिश में। ठीक है, हो गए, समझ में आया।
तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक है हमारा क्या, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए चालू करते हैं, ब्लैक शीट ले लेते हैं। अब देखिएगा, इसको समझाने के लिए मुझे को चाहिए एक रेक्टेंगल डिजाइनर। ठीक है, दिख गया। अब ये बताओ कि दो लोग हैं, एक का नाम है सोनू, एक का नाम मोनू। ठीक है, एक का नाम है सोनू जो बैठा है यहाँ। ठीक है, एक का नाम है मोनू जो बैठा है यहाँ पर। अब अगर उसको बताना है कि वो कहाँ पर है, तो हमें उस जगह की लोकेशन पता होनी चाहिए ना। पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? कि अगर हम किसी को बताना चाहें कि सोनू यहाँ बैठा है, तो कहाँ बैठा है? बस यही बैठा है, अब जगह का तो नाम पता ही नहीं। अगर हम ये जो हमारा मैप था इसमें अगर इस क्या हो रहा है इस तरीके से, तो ये जो हमारा एरिया है ये दिखा आपको, तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल को आप मान लीजिए हमारा क्या है, मैप है। क्या है? मैप। ठीक है, अब इस मैप को हमने क्या करा, लाइनों में इस तरीके से कई सारी लाइनें बना दी। ठीक है, यहाँ तक पूरी, ये मतलब ये माननी चाहिए यार लास्ट तक है इस तरीके। ठीक है, इसी तरीके ऊपर की तरफ से बना दी हमने कई सारी लाइनें इस तरीके, इस तरीके जो भी है मतलब तिरछा जा रहा। तो ये लाइन और ये लाइन, कोई ना कोई लाइन आपस, सारी लाइनें आपस में इस तरीके मिलेंगी ना, ये ऐसे 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 करके। तो अगर हमने कहा था, हमने कहा था कि सोनू जो है वो यहाँ बैठा है ना, हमने ये कहा था ना कि हमारा जो सोनू है वो यहाँ बैठा है। तो अब क्या, अब हमने बताया था कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है हमारा, ये ईस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, समझ में आया? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो अब हम किसी से कह सकते हैं ना कि सोनू जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठा है ना, नॉर्थ में ईस्ट की तरफ बैठा है। तो ये हुआ कैसे, ये हमने उसको लोकेशन कैसे बता पा रहे हैं? इन लाइनों की वजह से ना, इन लाइनों की वजह से। तो अगर हम इसी तरीके पूरी पृथ्वी पर लाइनें ड्रॉ करके रख दें, सबको एंगल्स में बांट दें, तो आपको नहीं लगता कि चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना? तो इन्हीं कई वजहों की वजह से हमने इन चीज़ों को ड्रॉ करा, चाहे वो सीज़न हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो हमारी डेस्टिनेशन का जो भी एरिया वगैरह या कोई किसी की डेस्टिनेशन को निकालना। ठीक है, तो इन लाइनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आज के टॉपिक में जो हम चालू करने जा रहे हैं वो है, वो क्या है, वो है लैटिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड को याद कैसे रखें? क्या है, दो तरीके की हमने लाइनें बनाई थी ना, कौन सी थी, एक हॉरिजॉन्टल थी एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है जो इस तरीके जा रही है हमारी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन।
वही हमारी लैटिट्यूड है। या लैटिट्यूड को याद रखने के लिए ये भी मान लीजिए कि जो लेटी हुई है वही लैटिट्यूड है ना। और लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर, अरे अक्षांश, है ना। और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? धरती पर हमने कुछ इसी तरीके की लाइंस बना दी, फिर हमने धरती को क्या करा 20 से। अब ये लाइन बनी कैसे है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, तो हमने क्या करा है इस लाइन को बनाने के, क्या करा है हमने? धरती को 20 से काट दिया है ना, धरती को 20 से काट दिया। और उस धरती को 20 से काटने के बाद उसके बीच के सेंटर से, देखा, सेंटर से हमने एक एंगल बना दिया। ठीक, तो अब एक बात को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कोई कि लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है यानी कि चांस क्या है, तो आपको क्या बताएंगे? अक्षांश एक कोण है, यानी कि अक्षांश क्या है? एक एंगल है। ठीक है, अक्षांश क्या? एक एंगल है। उसके बाद जो अक्षांश से जो रेखाएं बनी है वो क्या है? वो लॉन्गिट्यूड लाइंस है। समझ में आया? रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं अलग है और अक्षांश अलग है। मतलब अक्षांश तो एक एंगल हो गया ना, एक बात समझिए, अक्षांश तो एक एंगल हो गया ये जो हमने इससे लाइनें बना दी चारों तरफ। ठीक है, इस सेंटर से हमने जो लाइनें बनाई हैं वो क्या है? वो एंगल के हिसाब से बनाई है ना, तो अक्षांश हमारा क्या हो गया? एक कोण हो गया। ठीक है, और जो हमारा जो लाइंस है वो अक्षांश की लाइनें हो गई, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस हो गई। इतनी बात समझ में आई होगी सबको आई थिंक। अब जरा हम एक प्लान शीट ले लेते हैं। प्लान शीट हमने ले ली है, अब हम जरा समझते हैं इस चीज को क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करा था? धरती को 20 से काट दिया है ना, धरती को हमने इस तरीके से, धरती को हमने 20 से काट दिया था इस तरीके से कुछ डायग्राम। ले लेते हैं एक मिनट, चलो। तो हमने क्या करा था इस तरीके से, धरती को 20 से काट दिया था। ठीक है, सपोज कर लीजिए इसे, ये हमने धरती को 20 से हमने क्या करा? काट दिया। ठीक है, और इसके सेंटर से हमने क्या करा? सेंटर से हमने इस तरीके से एंगल ले ली। ठीक है, अब उस एंगल को, उसी एंगल से लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये लाइन कहाँ तक जाएगी? टोटल 90 डिग्री तक। ठीक है, ये लाइंस कहाँ तक जा रही है? 90 डिग्री तक। तो ये लाइंस जाती है 90 डिग्री नॉर्थ से, और ये यहाँ मैक्सिमम कितनी जाएगी? नीचे नीचे जाएगी 90 डिग्री साउथ। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी कि हमने कहा कि ये जो लाइंस हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ में जा सकती हैं और 90 डिग्री साउथ में जा सकती हैं। इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकती हैं, है ना? ये लाइन्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, तो हमने कितना बोलना है? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, प्लस 0 डिग्री था हमारा, है ना, है ना, वो भी तो एक एंगल है। तो यानी कि 181। ठीक है, तो ये क्या है 181? ये हमारा एंगल है। ठीक है,
181 हमारा क्या है, एंगल है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर्स ऑफ लाइन कितनी है, अब ये बताओ क्या नॉर्थ में जो जब ये हमारा ये जो सर्कल था जो हमारी पृथ्वी थी इस पे इस तरीके लाइंस बनेंगे ना, ये 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 इस तरीके लाइंस बनती जाएंगी बनती जाएंगी, क्या 90 डिग्री पे लाइन बन पाएगी बताइएगा, क्या 90 डिग्री पे लाइन बन सकती है, पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि वो तो एकदम सीधे जाएगी और जगह तो सर्कल एक क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब है ये दो लाइंस नहीं बनेंगी। तो अगर हम 181 में दो को माइनस कर दें यानी कि 179, तो हमें पता चल गया है कि लैटिट्यूड की लाइंस कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं लाइंस, 179 लाइंस होती हैं, ठीक है, 179 लाइंस होती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और चीज है कि जब ये हमारा सर्कल है ना, क्या चीज धरती हमारी, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप सबको, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप अगर नहीं भी समझ में आता है तो उसको पीछे जाके दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, पढ़े रहेंगे हमेशा के लिए लेक्चर, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, ये हमारी धरती थी, ठीक है। अब ये बताओ ये जो हमारे लाइंस बन रही हैं इस पर, इस तरीके लाइंस बनती जा रही बनती जा रही बनती जा रही बनती है, ठीक है। अब ये लाइन देखो, ये एक ऐसी जगह होगी ना जहाँ ये सबसे बड़ी लाइन होगी, है ना, सबसे बड़ी लाइन होगी कि नहीं होगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये सबसे बड़ा बड़ा सर्कल क्रिएट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे इस लाइन को, ग्रेट सर्कल, क्या बोलेंगे, ग्रेट ठीक है। हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम महान, ठीक है, जीरो डिग्री को हम क्या बोलेंगे, ग्रेट सर्कल या हिंदी में। तो अब ये चीज देख रहे हो, इन दोनों बीचों के बीच में लाइन का डिफरेंस सब में बराबर होगा ना, बराबर होगा कि नहीं होगा, ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, ये सारी लाइनें एक दूसरे से पैरेलल है, तो इन दोनों के लाइनों के बीच का डिफरेंस भी सेम होगा, है ना, इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा ना, तो इन दोनों बीच के लाइन का डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 111 किलोमीटर। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो क्या क्या पढ़ा है आज हम लोगों ने, सबसे पहले हमने देखा लैंड, ठीक है, एयर और वाटर में हम इस पूरे कोर्स को किस तरीके से खत्म करेंगे। दूसरा हमने देखा कि अर्थ का शेप क्या है, है ना, ऊपर से नीचे तक का डायमीटर देखा। तीसरा हमने क्या देखा, हमने देखे द्वीप क्या होते हैं, है ना, क्या देखें, द्वीप यानी कि आइसलैंड क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, लास्ट क्या था, पेनिनसुला क्या होता है ना, ये देखा ना, इन द्वीप चारों तरफ पानी से घिरा होता है, महाद्वीप जो होता है वो द्वीप का बड़ा वर्जन है, ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हमने देखा ओशन क्या है, ठीक है,
गर्व क्या है, बे क्या है, इतना समझ में आ ही गया होगा। लास्ट में हमने क्या देखा, ओशा और गर्व के बाद लैटिट्यूड देखा, क्या देखा, लैटिट्यूड देखा। लैटिट्यूड को देखा कि उसकी सारी लाइनें पैरेलल हैं, उसमें टोटल नंबर्स ऑफ लाइन कितनी हैं, उसमें टोटल नंबर्स ऑफ एंगल कितने हैं, है ना, और ग्रेट ग्रेट सर्कल यानी कि महावृत्त देखा क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, 111 किलोमीटर होता है। तो आज पहला क्लास था तो इसको ज़्यादा हैवी नहीं रखा, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट रखा कि आप लोग एक कनेक्टिविटी बना सकें कि किस तरीके से हमारा कोर्स चलने वाला है, आपको कितना इसमें पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से कोर्स चलेगा। तो होप आप सबको ये अच्छा लगा हो, और अगर नहीं भी कनेक्टिविटी आज बनती है तो डरने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, इस कोर्स को आगे चलने दीजिए, दो चार दिन देखिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको कनेक्टिविटी बैठेगी कि किस तरीके से कोर्स को करेगा। और लास्ट में आपको जब इस कोर्स को ख़त्म होगा तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आपका ये जो कोर्स था, आपका जो समय था, वो बर्बाद नहीं हुआ है यहाँ पर, और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इस कोर्स से। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी जो भी आपके मित्र हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं लेने को, उसे बोल दीजिए कि आ जाए चैनल पे, ये पूरा तरीके फ्री है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कोर्स में क्या और चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो इस कोर्स में बदल देनी चाहिए, और कैसी लगी आज की क्लास ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कल मिलते हैं इसी समय पर, तब तक के लिए सबको गुड बाय या बाय। तो कल इसी समय आ जाइएगा अपने अगले लेक्चर को, कल हम लोग लैटिट्यूड देखेंगे, लॉन्गिट्यूड देखेंगे, ठीक है, बाय।